ओके डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट रूल हम लोग सीखने जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन बाय डिवीजन मेथड। सो यहां पे अगर y इज गिवन बाय u अपॉन v, वेयर u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x, तो उस कंडीशन में इसका डिफरेंशिएशन किस तरह से ऑब्टेन करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला है dy अपॉन dx इज डिनोमिनेटर, पहले लिख लिया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर, बीच में माइनस साइन, फिर न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव या डिफरेंशियल ऑफ द डिनोमिनेटर, नीचे स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर। रिपीट करें, सो डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर, नीचे बटे स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर। सो बस ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, डिफरेंशिएशन आपको ऑलरेडी बेसिक वाला आता है, तो ये वाले फॉर्मूले को यूज करके इस तरह से डिवीजन के फॉर्म में अगर एक्सप्रेशन दी है तो उस कंडीशन में आसानी से डिफरेंशिएशन कर पाओगे। सो कुछ एग्जांपल्स लेके इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, सो यू पीपल जस्ट सी। सो पहला एग्जाम्पल देखिए, सो हियर इट इज गिवन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड टू एक्स प्लस थ्री, ठीक है, तो ये आपको पता है दिस इज द न्यूमरेटर एंड दिस इज द डिनोमिनेटर ओवर हियर, राइट। तो अगर आपको dy अपॉन dx इसका निकालना है तो इट इज डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशियल ऑफ द न्यूमरेटर, फिर बीच में माइनस साइन, सो ये क्या था, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर, फिर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशियल ऑफ द डिनोमिनेटर और नीचे बटे स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर, टू एक्स प्लस थ्री इसका होल स्क्वायर, सिंपल है। सो बस अब ये इसके बाद ये सिंपल वाला डिफरेंशिएशन करना बाकी रह गया, सो टू एक्स प्लस थ्री ऐसे कैसे, इसका डेरिवेटिव जब आप करोगे x का स्क्वायर है तो 2 सामने, x की पावर 2 माइनस 1 एल बी 1, केवल 1 विच इज नथिंग बट कांस्टेंट, केवल अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, सो यहां पे माइनस साइन, यू गेट x स्क्वायर प्लस 1 एंड डेरिवेटिव इसका करने जा रहे हैं, सो 2 एज ए कांस्टेंट सामने, x का डेरिवेटिव तो x की पावर 1 है यहां पे 1x रेज टू पावर 0 विच विल बी नथिंग बट 1, सो 1 * 2 इज 2 और केवल अकेला कॉन्स्टेंट 3 है यहां पे, इसका डेरिवेटिव इज 0 और नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर ये लिखना नहीं होता, ठीक है। सो इसको फर्दर 2x प्लस 3 इंटू 2x माइनस, इसको 2 को चाहे तो सामने लिख दें, सो x स्क्वायर प्लस 1 एंड इन द डिनोमिनेटर यू विल राइट 2x प्लस 3 इसका होल स्क्वायर, सो ये कंप्लीट हो गया, बाकी सिंप्लीफिकेशन ऊपर कर सकते हो और भी, अदरवाइज डिफरेंशिएशन वाला काम यहां पर कंप्लीट हो चुका है, इज दैट ओके। सो इसी तरह से एक और एग्जांपल देखो, सो हियर इट इज y इज इक्वल टू x प्लस 1, डिनोमिनेटर में क्या है x स्क्वायर प्लस 2, सो इसका डेरिवेटिव dy अपॉन dx डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशियल ऑफ द न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर एंड नीचे स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर, इज इट ओके। सो यहां भी आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2, इसका डिफरेंशियल जब करेंगे केवल x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव भी 0, बीच में माइनस साइन, x प्लस 1 ऐसे कैसे, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 सामने, x की पावर एक कम करके लिख देंगे और केवल अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज नथिंग बट 0, सो डिनोमिनेटर में आ जाएगा x square plus 2 इसका होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में 1 plus 0 is nothing but 1, so 1 into anything will remain the same thing, यानी x square plus 2 आ गया यहां पर, x square plus
टू इंटू वन इज द सेम थिंग माइनस, यहां पे आ जाएगा एक्स प्लस वन इंटू टू एक्स एंड इन द डिनोमिनेटर यू कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस टू इसका होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपल है। सो ये कंप्लीट हो गया, बाकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन इसकी की जा सकती है, बट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द डिफरेंशिएशन, दैट यू पीपल कैन डू, आपको ऑलरेडी वो चीजें आती हैं। इज इट ओके? सो वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट वन, लास्ट एग्जांपल जो हम लोग यहां पे करने वाले हैं वो है y इज इक्वल टू 2x square minus 3, in the denominator we have x plus 2, 2x square minus 3 and here it is x plus 2 in the denominator, so ye last example dekh lete hain, so we can write derivative iska dy upon dx denominator into differential of the numerator minus numerator into differential of the denominator and niche you will write square of the denominator. Check kar lete hain, denominator into differential of numerator minus numerator into differential of denominator, niche square of the denominator. Alright, so ये आ जाएगा x plus 2, differentiate करिए इसको, 2 सामने ऐसे कैसे x square का differentiation करेंगे तो आ जाएगा 2x raised to the power 1 और इसमें से minus करेंगे constant, केवल constant अगर अकेला है तो उसका derivative is 0, बीच में minus sign यहां पे 2x square माइनस थ्री ऐसे कैसे, सो यहां पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस टू केवल अकेले एक्स का डेरिवेटिव वन हो जाएगा और केवल अकेले कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, यानी टू का डेरिवेटिव इज जीरो। सो नीचे आ जाएगा एक्स प्लस टू इसका होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपल। सो यहां पे इसको हम देख सकते हैं एक्स प्लस टू, ये 2 इंटू टू एक्स विल बी नथिंग बट 4x, 4x प्लस 0 विल बी सिंपली 4x इटसेल्फ और यहां पे बीच में माइनस साइन, यू विल गेट 2x स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 मींस द सेम थिंग एंड इन द डिनोमिनेटर यू हैव x प्लस 2 इसका होल स्क्वायर। तो ये इस तरह से ये फाइनल रिजल्ट आ गया। सिंप्लीफिकेशन इसकी अपने आप से आप लोग कर सकते हैं, डिफ्रेंसिएशन का काम यहीं पर कंप्लीट हो गया। इसमें अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ जाते, न्यूमरेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसका भी डिफरेंशिएशन बिल्कुल सेम मेथड फॉलो करके हम लोगों को करना था। तो इसमें यही बड़ी खत्म, नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कवर करेंगे। सो जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।